सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर देना लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। Hey, what's up guys? आज मैं बताऊंगा कि एंड्रॉइड फोन की बैटरी लाइफ को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको दो तीन टिप्स या फिर कह सकते हो ट्रिक्स देने वाला हूँ जो कि रियल है और मैंने इसे खुद एक्सपीरियंस किया है, और बाकी लोग जो आपको यूट्यूब पर बताते हैं वो सारे तो फेक नहीं है। मैं आपको कहूँगा वो कि अपनी जो टिप्स आपको बताते हैं वो काम के नहीं है, बट आज इस वीडियो के अंदर जो 3-4 जो भी टिप्स मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ वो सारे रियल है एंड काम की है। वेल, ये सारे चीज़ जानने के लिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और उससे पहले अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना भूलना मत, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस अपडेट करता रहता हूँ। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ताकि मैं जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो अपडेट करूँ तो सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1, लोकेशन कंट्रोल। देखो भाई, बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि हमारा जो लोकेशन है वो ऑफ रहता है, बट हाँ, इनकेस कि आपका लोकेशन ऑफ होता है, बट अंदर की बात मैं आपको बता दूँ कि लोकेशन आपका हमेशा ऑफ नहीं रहता है। बेसिकली मैं यहाँ पे स्क्रीन पर आपको दिखा दूंगा, वाईफाई स्कैनिंग एंड ब्लूटूथ स्कैनिंग, ये दो ऑप्शंस आपके बैकग्राउंड में हमेशा ही चलता रहता है। तो आपको करना क्या होगा, सिंपली इसके बंद कर देना होगा। इसे बंद करने के लिए सिंपली आपको करना क्या होगा, लोकेशन ऑप्शन पर जाना होगा। 3 डॉट पर जाने के बाद आपको वाईफाई स्कैनिंग और ब्लूटूथ स्कैनिंग दिखाई देगा, तो आपको बंद कर देना है, तो बंद कर देना। और नंबर 2, डार्क मोड। तो बेसिकली अगर आप डार्क मोड को एक्टिवेट करते हो यानी ब्लैक थीम आपके फ़ोन के अंदर यूज़ करते हो तो डेफिनेटली आपके फ़ोन की जो बैटरी लाइफ है वो इंक्रीज हो जाएगी। डार्क मोड यानी आप डार्क वॉलपेपर यूज़ कर सकते हो, डार्क थीम यूज़ कर सकते हो, और जितने भी चीज़ें हैं आप फ़ोन के अंदर हमेशा वाइट चीज़ें करते हो, बट आपको डार्क यानी अंधेरा रखना है आपके डिस्प्ले के अंदर। वेल, ब्लैक थीम आप यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे ऐसे थीम्स हैं जो कि आपको ब्लैक थीम ब्लैक वॉलपेपर देते हैं, और उनके जो अगर उसे यूज़ करोगे तो डेफिनेटली आपकी जो बैटरी लाइफ है वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो नंबर 2 आपको करना क्या होगा, ब्लैक थीम ब्लैक वॉलपेपर आपको यूज़ करना होगा। और उसके बाद आपको एक चीज़ करना होगा कि बैकग्राउंड के अंदर जितने भी एप्लीकेशंस है या फिर सॉफ्टवेयर कह लो आप जो यूज़ करते हो, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, बहुत सारे चीज आपके बैकग्राउंड के अंदर रन करता रहता है। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे देखा है कि बहुत सारे एप्लीकेशन को रन कराता है बट जो बैकग्राउंड से उन्हें हटा नहीं देते, इसीलिए वो बैकग्राउंड में प्रोसेस चलाता रहता है और आपकी जो बैटरी है वो कंज्यूम करता रहता है। तो आपको करना क्या होगा, आपको एक चीज़ नोटिस करना है कि जितने भी आपको अनयूज ऐप्स है आप जो यूज़ नहीं करते हो, उन ऐप्स को आपको बैकग्राउंड से हटा देना है यानी बैकग्राउंड से बंद कर देना है, तो ही आपकी जो बैटरी लाइफ है वो इम्प्रूव हो जाएगी। अदरवाइज इसके अलावा कोई ऑप्शंस है ही नहीं, तो आप इसे ध्यान में ज़रूर रखना। और उसके बाद बैकग्राउंड डाटा एक्सेस आपको बंद कर देना है। एक्चुअली देखो यार, आप जब प्ले स्टोर के अंदर से तरह तरह एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो तो ऐसे में आप जब इंटरनेट को ऑन करते हो तो उस टाइम आपको ऐसा लगता है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो आपके फ़ोन के बैकग्राउंड में कुछ रन नहीं चलाता है। और मैं आपको बता दूं कि जब बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि हम कुछ भी सर्च नहीं किया फिर भी हमारा जो नेट है वो खर्च होते हैं, नेट चलता रहता है, ऐसा रीजंस क्या है? एक्चुअली यही है रीजंस कि आप जितने भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो वो सब बैकग्राउंड में रन चलाता रहता है। तो आपको सिंपली करना क्या होगा, मैन्युअली आपको वो एप्लीकेशन के अंदर जाके बैकग्राउंड डाटा को बंद कर देना है ताकि वो बैकग्राउंड में कोई प्रोसेस ना चला पाए यानी इंटरनेट एक्सेस ना कर पाए। वेल, आपको ये चीज़ करना है, करने के बाद आपका जो बैकग्राउंड डाटा है वो खर्च नहीं होगा और उसके साथ साथ आपकी जो इंटरनेट है वो भी बचेगी और साथ ही साथ आपकी जो फ़ोन की बैटरी लाइफ है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। वेल, आपको ये दो तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। गूगल असिस्टेंट, भैया देखो हर फ़ोन में तो गूगल असिस्टेंट होता ही है, अब ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपके फ़ोन के अंदर गूगल असिस्टेंट कैसे कहाँ है। तो सिंपली आपको अगर पता नहीं है कि आपके फ़ोन के अंदर गूगल असिस्टेंट कहाँ पर है तो सिंपली आप यहाँ पे होम बटन को प्रेस करके होल्ड करके रखना तो आपको गूगल असिस्टेंट दिखाई देगा। तो अगर आपके फ़ोन के अंदर गूगल असिस्टेंट है तो बहुत ही बड़ा मिस्टेक कर रहे हो आप, यानी आपके फ़ोन की बैटरी लाइफ के ऊपर बहुत ही इफ़ेक्ट पड़ता है वो। अगर आप अगर आप मुझे यकीन नहीं करते हो कि एमके फैक्ट्स हैं, तुम तो फैक्ट चीज़ें बता रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप खुद एक्सपीरियंस करना कि आप गूगल असिस्टेंट को यूज़ करो, आपके फ़ोन की बैटरी लाइफ कितनी चलती है,
और गूगल असिस्टेंट को डिसेबल करने के बाद यानी बंद करने के बाद आपके फ़ोन की बैटरी लाइफ इंक्रीस हो जाएगी। मैं चैलेंज देकर कहता हूँ कि इंक्रीस हो जाएगी। वेल यही है वो चार पांच स्टेप्स जो कि आपको जानना ज़रूरी है। अगर आप इन चार पांच स्टेप्स को फॉलो करते हो तो ऑब्वियसली आपके फ़ोन की बैटरी लाइफ इंप्रूव हो जाएगी, और साथ ही साथ मैं कन्फर्म हूँ कि आपकी जो फ़ोन की बैटरी लाइफ है वो तो इंक्रीस हो जाएगी। एक से दो दिन तक तो आप यूज़ कर ही पाओगे। अगर आपका फ़ोन बहुत ही लाइक लो किस्म के बैटरी लाइफ देते हैं आपको। वेल इस वीडियो में इतने ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस अपडेट करता रहता हूँ। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ताकि मैं जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो अपडेट करूँ तो सबसे पहले आपको देखने को मिले। फिलहाल इस वीडियो में इतने ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय।